सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज किस ब्लॉग में मैं अभी बोकारो में हूँ। अभी मैं जाने वाला हूँ एक जगह, बहुत ही यहाँ का फेमस जगह, बहुत ही अच्छा जगह, और मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो गाइज, ब्लॉग को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ब्लॉग पसंद आई तो ब्लॉग को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, हम वहाँ पे जाते हैं बोकारो में, जहाँ पर हमको अभी जाना है। बहुत ही फेमस जगह, बहुत ही अच्छा जगह, आपको ब्लॉग देखकर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइज, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हम लोग बोकारो के उस वाले जगह पे पहुंच चुके, जहाँ का मैं आपको व्यू दिखाने वाला था, जहाँ मैं आपको लाने वाला था। तो गाइज, ये देख सकते हो, ये है जगन्नाथ टेम्पल, जो कि बोकारो स्टील सिटी का काफी फेमस टेम्पल है। गाइज, यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। गाइज, ये जगह जो जगन्नाथ टेम्पल, ये उड़ीसा में पुरी में स्थित है, ठीक है। तो गाइज, ये उसी का कॉपी यहाँ पर बनाया गया। तो अंदर मैं विजिट करने वाला हूँ, अंदर घूमने वाला, जो भी अंदर घूमूंगा मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला। तो गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए गाइज, अंदर हम चलते टेम्पल के अंदर। सो गाइज, तो देख सकते हैं हम लोग जाके टेम्पल के अंदर गेट से एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अंदर आपको सारा कुछ दिखाएंगे। तो अंदर देखिए गाइज, यहाँ पर हमने जो कि अपना जूता चप्पल को खोलकर बाहर जो है कि रख दिया है। अंदर मंदिर के अंदर तो अलाउड ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह का सीन, यहाँ पर एकदम अलग ही वाइब है गाइज। मतलब पूरा आप यहाँ देख सकते हो, इस तरह का सीन आपको कहीं भी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। ये जो टेम्पल है पुरी में स्थित है, वहीं का यहाँ पर जो है कि बनाया गया, पुरी उड़ीसा जो है वहीं का बनाया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा मेन मंदिर। और आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, इधर देखिए, इधर भी आपका छोटे छोटे जो है कि मंदिर बनाए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कितना ही अच्छा सीन है। आगे आप उधर देख सकते हो, छोटा सा तालाब है, वो भी मैं आपको आगे दिखलाऊंगा। पहले हम चलते हैं अंदर मंदिर के अंदर, और भी आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू क्या है, अंदर सब कुछ, सब कुछ दिखाने वाले। तो चलिए गाइस, अंदर हम लोग चलते हैं। तो गाइस, देख सकते हो हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये है यहाँ पर मंदिर, एक मेन मंदिर, और भी अंदर में है, सब कुछ दिखाऊंगा। इधर देख सकते हो कुछ इस तरह का एक यहाँ पर है, देख सकते हो गाइज। यहाँ पर ये रहे मंदिर, मेन मंदिर भगवान का। अंदर जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर है गाइस। इधर रहा आपका प्रसाद भंडार, और इधर रहा यह मंदिर, और देख सकते हो अंदर, यहाँ पर यह मंदिर है, यहाँ पर पूजा चल रही है। यहाँ पर चारों ओर देख सकते हो इस तरह का है यहाँ पर मंदिर, पूजा हो रही है। और भी हम उधर आपको दिखा देते हैं, यहाँ से बाहर जाकर, बाहर में और क्या कुछ है। और देख सकते हो कितना ही अच्छा यहाँ पर डिजाइन दिया गया मंदिर का, आप लोग देख सकते हो ऊपर में, बहुत ही अच्छा इसका डिजाइन लग रहा है, एकदम अलग ही लेवल का है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, देख सकते हो। बट धूप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, तो हल्का सा थोड़ा गर्मी जैसा लग रहा है, बट ठीक है। तो भी घूमने आए यहाँ पर, आपको सब कुछ आगे दिखलाऊंगा। और गाइस, देख सकते हो इधर भी आ गया, बहुत सारे इधर भी छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। और देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर गार्डन एकदम बना हुआ, देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा डिजाइन मंदिर का। ऊपर में देखिए एक झंडा है, और भी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर से और गार्डन से। यहाँ पर देखिए एक मंदिर इधर है, सेम डिजाइन ऊपर में आपको सबका देखने को मिलेगा, बट ये सब छोटा है, मेन मंदिर वहीं पर था आपको। और भी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक मंदिर है हनुमान जी का, ये मंदिर है यहाँ पे। और इधर भी एक यही मेन मंदिर है, और अंदर हम चलते हैं, देख सकते हो काफी अच्छा पार्क जैसा बना हुआ है, मंदिर भी है। मतलब ये सब जगह पे आने के बाद एकदम अलग ही वाइब हो जाता है, मतलब बहुत ही मन अच्छा लगता है, और बहुत ही अलग जगह आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और फिर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक मंदिर है, जो कि काफी शानदार है। आगे दो घोड़ा दिख रहे हैं, घोड़ा बनाया हुआ। और अंदर मैं आपको दिखलाता हूँ क्या है अंदर, तो यहाँ ताला बंद है, बट ये सूर्य मंदिर है, ठीक है। और देख सकते हो सामने सूर्य मंदिर है गाइस। यहाँ पर मैं करीब
6 से 7 साल पहले भी आया हुआ था, बट मैं वहाँ पर अच्छे से घूम नहीं पाया था। आज यहाँ पर अच्छे से एकदम घूमने आया हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा एकदम सीन देखने को आपको यहाँ पर मिल सकता है। फिर देख सकते हो एकदम इस तरह के यहाँ पर मंदिर का डिजाइन बनाया गया, लग रहा है कि एकदम सूर्य भगवान का वहाँ रथ है, उसी में सूर्य भगवान को बनाया गया। यहाँ पर देख सकते हो और भी अंदर में इधर मंदिर है जो कि श्री नवग्रह मंदिर है, ऊपर लिखा हुआ है, मैं उसी को पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम खुद यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एक मंदिर यहाँ पे है, और भी यहाँ पर एक श्री विमला दुर्गा मंदिर है, यहाँ पर देख सकते हो दुर्गा मंदिर, और मंदिर का पीछे का यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ पीछे से इस तरह का आपको सीन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको सीन देखने को यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस चलिए चलते हैं आगे तालाब की ओर, तो आगे मैं आपको तालाब दिखा रहा हूँ। इधर पीछे देख सकते हो इधर मंदिर, आप यहाँ पर पीछे मंदिर है, यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही अच्छा है, गार्डन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम उधर तालाब की तरफ चलते हैं। इधर मेरे पीछे मेन जगन्नाथ टेम्पल है, और यहाँ पर ये सूर्य मंदिर यहाँ पर देख सकते हो। गाइस बहुत ही ज़्यादा धूप है, एकदम पैर मेरा जल रहा है और पूरा पसीना पसीना एकदम हो गया, तो पसीना को अवॉइड कीजिएगा, अब इतना तो करना ही पड़ेगा आप लोग के लिए। इतना मेहनत कर रहा है तो कम से कम गाइस वीडियो का एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी चलिए हम उधर आपको ले चलते हैं तालाब की ओर, थोड़ा सा यहाँ से तालाब थोड़ा अंदर में है तो उधर भी आपको हम ले चलते हैं। और गाइस यहाँ पर मतलब जो मैं फ्रेंड लोग के साथ आया था, यहाँ पर एक मेरा भाई है और एक यहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो कि मतलब हम लोग साथ में ही रहते हैं। अभी जो है कि हम लोग यहाँ पर आए हुए थे साथ में ही घूमने, यहाँ पर एक भाई है एक दोस्त भी है, और भी आगे मैं आपको दिखलाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते, इधर तो मंदिर है चारों तरफ काफी अच्छा लग रहा है, और भी इधर देखते हैं आगे। सो गाइस देख सकते हो कितना ही चारों तरफ एकदम हरा भरा, मतलब बहुत ही अच्छा है। गर्मी के मौसम में यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मुझे काफी अच्छा लगा। और यहाँ पर देख सकते हो सामने यहाँ पर लिखा हुआ है श्री जगन्नाथ सरोवर, यहाँ पर इसका उद्घाटन सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा जगन्नाथ सरोवर के बारे में। और क्योंकि मैं तो खुद आ जा रहा हूँ बहुत साल बाद, मतलब एक बार आया था लेकिन बढ़िया से घूम नहीं पाया था, लेकिन इस बार आया है तो बढ़िया से घूम के ही जाएंगे, अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करवा के जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो यही है जगन्नाथ सरोवर, यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको सरोवर देखने को मिल जाता है, यही है यहाँ पर जगन्नाथ सरोवर। और इधर से देख सकते हो सारे टेम्पल्स हैं जो कि सामने उधर टेम्पल। गाइस ये रहा आपका मंदिर का सिनेमैटिक शॉट, तो गाइस देख सकते हो कुछ यहाँ पर इस तरह का मंदिर है, बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर देख सकते हो पार्क जैसा बना, ये और भी सुंदर लग रहा है यहाँ वीडियो में, सामने से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप लोग देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। ये जो है कि बोकारो में यहाँ पर स्थित है, बोकारो स्टील सिटी, आप यहाँ पर आइएगा और बोलिएगा कि मुझे जगन्नाथ टेम्पल जाना है, तो गाइज़ वहाँ से आपको ऑटो वाला जो है कि आराम से यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल आपको ले आएगा, ठीक है। और गाइज़ यहाँ पर ले आना, मतलब यहाँ ये जो है कि पुरी में भी स्थित है, लेकिन पुरी आप लोग नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ भी आप लोग आकर घूम सकते हो। ये जो है कि पुरी का ही वहीं का कॉपी किया हुआ, पुरी जो है कि उड़ीसा में स्थित है, जो कि वहाँ से आपको वहाँ जाने में बहुत दूर लग जाएगा, लेकिन आप लोग उधर है तो आप लोग तो उधर से घूम सकते हो। बट गाइज यदि आप लोग बिहार झारखंड यूपी तरफ के हो तो गाइज आप लोग यहाँ पर आके घूम सकते हो और देख सकते हो, यहाँ का मज़ा ले सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मंदिर है। तो गाइज यहाँ पर तो और कुछ ज़्यादा आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस यही सब कुछ है, तो गाइज यही सब कुछ यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज यहीं पर हम ब्लॉग को एंड करते हैं, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो गाइज बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पर, यदि आप लोग को घूमना हो तो यहाँ पर बोकारो स्टील सिटी यहाँ पर आप आ सकते हो, और जगन्नाथ टेम्पल में आकर यहाँ पर भगवान का दर्शन कर सकते हो और यहाँ पर आप लोग घूम सकते हो। गाइज ब्लॉग पसंद आया होगा तो ब्लॉग को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतना धूप में आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो ब्लॉग को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।